Hey everyone, welcome back to my channel. So this was the scenario at 9 PM. हमारे बालकनी से कुछ इस तरह से दिख रहा था. सिर्फ दिए, टॉर्च, फ़ोन के फ्लैश लाइट से ही रोशनी थी दूर दूर तक. हमने भी अपने मोबाइल्स के लाइट से ही रोशन किया क्योंकि हवा इतनी तेज़ थी, दिए हम जला नहीं पाए. सोचा था दिए ही जलाएंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया. सो दैट्स हाउ वी डिड इट. मॉर्निंग एवरीवन. सो अगले सुबह के 9:30 बज चुके हैं एंड आज भी मेरे किचन में कौन है? मास्टर शेफ रमेश. एंड आज वो जलेबी बनाने वाले हैं. सो मैं फटाफट से बता देती हूँ कि अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं जलेबी बनाने के लिए. तो रमेश ने शुरुआत की है चाशनी बनाने से. सो चाशनी के लिए हमने अंदाजे से थोड़ा बहुत चीनी ले लिया है और अब हम उसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 कप के करीब पानी. थोड़ा सा उबाल देने के बाद हम इसमें 2 पीसेस ऑफ नींबू डालेंगे और थोड़ा सा और उबालने के बाद 2 चम्मच हम मिल्क डाल देंगे. ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि चाशनी बनाते वक्त जो शुगर से गंदगी निकलती है वो हमें क्लियर आउट करना पड़ता है, तभी जाके चाशनी अच्छी बन पाती है, वरना नहीं बन पाती है. और ऐसा हम 2-3 बार करेंगे, रिपीट करेंगे. सी इस तरह की जो है वो गंदगी निकलती है. सो ऐसा हम 2-3 बार हम करेंगे तो सारी जो चाशनी है वो क्लियर आउट हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, अच्छी बन जाएगी. सो हमारी चाशनी जो है वो तकरीबन रेडी हो गई है और ये प्रोसेस हमने सिर्फ 2-3 बार ही किया है. इसी में आप देख सकते हैं कितना क्लियर हो गया है जो चाशनी है. और अभी हमें कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा फूड कलर इसमें ऐड करना है और हमारी चाशनी जो है वो बिल्कुल रेडी है. बस अब गैस बंद कर देंगे, इसको साइड में रख देंगे और जो जलेबी का जो बैटर है वो हम रेडी कर लेंगे. सो जलेबी के बैटर को रेडी करने के लिए मैंने लिया है, मास्टर शेफ रमेश ने लिया है थोड़ा सा मैदा. और मेरे पास कुछ बेकिंग सोडा, मीठा सोडा नहीं था घर पे, तो मैंने थोड़ा सा इनो ऐड कर लिया है. और अब मैं ऐड कर लूँगी 1 चम्मच दही. और दही को ऐड करने के बाद मैं सबको अच्छे से फेंट लूँगी. इतने अच्छे से फेंटना है कि एक भी लम्स ना रह जाए. और पानी भी थोड़ा थोड़ा डालते हुए फेंटना है ताकि ऐसा भी ना हो कि पानी ज़्यादा हो जाए तो फिर जो बैटर है वो एक्स्ट्रा पतला हो जाएगा, तो वो भी नहीं चाहिए. तो धीरे धीरे पानी डालिए और अच्छे से फेंटते रहिए. सो अब मेरा बैटर रेडी है, तो बैटर में भी थोड़ा सा फूड कलर जो है वो ऐड करना पड़ेगा. सो मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर लूँगी. सो अब वापस से अच्छे से फेंटना है. और जो मेरा बैटर है वो इतना थिक है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा.
जलेबी बनाने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं, तो हमने क्या किया, ये दही का पैकेट था उसको हमने साइड से कट कर लिया था, सारा बैटर हमने डाल दिया था और ये क्लिप से हमने लॉक कर दिया है। अब हम छोटा सा कट कर देंगे और ऐसे हम लोग जलेबी बना लेंगे। सो अभी रमेश ट्राई करने वाला है अपना पहला अटेम्प्ट, सो देखते हैं क्या होता है। दोस्तों ये थोड़ा फनी हो गया, बट कोई नहीं, हम पहली बार ही ट्राई कर रहे हैं। रमेश क्या, मैं भी पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ, तो दोनों ही अनाड़ी है अभी जलेबी बनाने के मामले में। सो दूसरा अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं। अरे बाप रे, ये जलेबी नहीं, ये तो शाही जलेबी हो गई। बट कोई नहीं, शेप में क्या रखा है, टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट। सो मुझे तो लगता नहीं है कि अभी जो सिचुएशन चल रही है COVID-19 का, कि आगे चीज़ें ठीक भी हो जाएगी तो मैं कुछ खाने वाली हूँ बाहर का। इनफैक्ट किसी को भी अभी नहीं ट्रस्ट खाना चाहिए बाहर मार्केट फूड के ऊपर। सो भैया अपना खाओ, अपना बनाओ, अपना खाओ, और भले ही शेप गड़बड़ा रही है तो क्या हुआ, खा के देखते हैं कि कैसी बनी है। सो बनाने में इतना मज़ा आ रहा था तो अभी मैंने रमेश से बोला है कि ये थर्ड वाला अटेम्प्ट मैं करूँगी। सो पता नहीं मैंने ये उर्दू में क्या क्या बना दिया है, क्या क्या लिख दिया है। सो ये जलेबी मेरी है। सो अभी मैं पुरानी वाली जलेबी जो है वो चाशनी से निकाल दूँगी और अपनी जो ये बनाई हुई जलेबी है उसको चाशनी में डाल दूँगी। सो अब लास्ट की जो जलेबियाँ हैं, अब मुझे लगता है कि अब तो एक्सपर्ट हो गए होंगे रमेश जलेबी बनाने में, तो देखते हैं अब ये जो लास्ट वाला अटेम्प्ट है वो कैसा रहता है। और वो रहा हमारा लड्डू, नीचे खेल रहा है, मस्त है अपने मजे में अकेले ही। जब भी हम लोग यहाँ काम कर रहे होते हैं किचन में तो उसको हम ऐसे नीचे रख देते हैं खेलने के लिए। उससे क्या होता है कि ना, एक तो आंखों के सामने भी रहता है, डर भी नहीं रहता, क्योंकि आजकल ना वो कूदा फानी ज़्यादा करता है तो हमें डर लगता है कि वो भैया नीचे ना गिर जाए। तो अब वो क्रॉल भी करना सीख रहा है तो हम उसको ऐसे फ्लोर पे छोड़ देते हैं खेलने के लिए। एंड सी, ये वाली तो परफेक्ट बन गई है जलेबी। अब खा के भी बताते हैं कि कैसी बनी है जलेबी। तो आज का जो नाश्ता है वो दूध और जलेबी जो देख ही रहे हैं आप। सो ये जो आइडिया था ये था रमेश का। ये जो जलेबी है ये सारे एक्सपेरिमेंट वाले हैं, और ये वाले जो हैं जो हमने रिजेक्ट के खाते में नहीं डाला है, ये वाली जलेबी हमने पास कर दी है। और आप ट्रस्ट कीजिएगा कि ये शेप भले कुछ भी रहा हो लेकिन खाने में ये बिल्कुल मार्केट जैसा था और एकदम करारी थी। सो जलेबियाँ हमारी रेडी हो गई है, दूध हमने गर्म कर लिया है। सो अभी हम फटाफट नाश्ता कर लेते हैं। सो आज का जो आइडिया था नाश्ता करने का रमेश का, बड़ा ही यूनिक था और बड़ा ही अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया। और हम दोनों ने जलेबी बनाने में जो फन किया, मज़े किए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। Yeah.
नहा धो के सो रहा है, आराम कर रहा है। सो इतने ये सो जाए, मैं थोड़ा काम कर लूँ। सो मैंने कुछ कपड़े निकाले हुए हैं लड्डू के, जो कि उसके विंटर के थे। वो अभी तक मुहूर्त नहीं निकल पाया था कि इनको अंदर रखूँ, अलग करूँ। सो मैंने सारे जो उसके कपड़े हैं विंटर्स के, वो सारे मैंने फोल्ड करके इस बास्केट में अलग करके रख दिए हैं। और क्योंकि ना छोटे छोटे कपड़े हैं, सारे मिक्स हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि ढूंढते ढूंढते फिर परेशान होते रहो, कभी कुछ नहीं मिल रहा, कभी कुछ नहीं मिल रहा। सो मैंने ऐसे विंटर्स के कपड़े सारे अलग करके बास्केट में करके सेपरेट कर दिए हैं। और जो इसके जो गर्मियों के जो कपड़े हैं, वो अलग करके मैं अभी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके इसके कबर्ड में रख दूंगी। सो गाइज, आज रमेश की बनाई हुई जलेबी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आजकल, वो भी मुझे आप बताइएगा ज़रूर थ्रू पिक्चर्स। वो पिक्चर्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल जो है, वो मैंने स्क्रीन पे यहाँ शेयर कर दिया है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, बाय बाय।